टॉपिक इज परसेंटेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट एक तो डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आएंगे लाइक जैसे हम कार्ड्स अगर आप खेलते होंगे उसमें जैसे जोकर का रोल होता है राइट इट कैन बी फीटेड एवरीवेयर तो सेम वे परसेंटेज के एप्लीकेशन इन एप्टीट्यूड इन मैथ स्पेशली अरिथमेटिकसेंटेज पे होल्ड कर लिया तो बिलीव मी the topic going side will be very easy for you so before starting as we always do concept check so these are the topics which we need to study right we will start one by one so we will start with very basic so what is the percent as the word suggests percent per century so how much is right? So, we'll like so if i say 20%, 20 percent 20 percent can be written as 20 over 100 right you can also go in the fraction of वन बाय फाइव ऐसे कुछ होता है सो so, प्लीज एक याद रखना कभी भी अगर आपको नंबर से परसेंटेज पे जाना है सो so आप बेसिकली क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड और अगर परसेंटेज से नंबर पे जाना है तो आप क्या करोगे डिवाइड बाय हंड्रेड राइट जैसे ट्वेंटी परसेंट था ट्वेंटी परसेंट हमको चाहिए था तो हमने क्या किया डिवाइड बाय हंड्रेड अब वन बाई फाइव को मुझे अगर वापस ट्वेंटी लेके जाना है तो वॉट एल डू आई एल नाउ द फर्स्ट थिंग विल डू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कैल्कुलशन भली कैलकुलेटर अवेलेबल है हमारे पास कैट में ओनली नॉट इन एग्जाम बट स्टिल देर आर सम कैलकुलेशन जो आप खुद करते हैं तो बेसिकली जो वेरी फर्स्ट थिंग इज

टू थ्री फोर सिक्स इसका वन परसेंट कितना होगा आखिर इसे दो डेसिमल पीछे आओ. Right? So कभी भी आया ट्राई टू ब्रेक इट इन परसेंट एन परसेंट कैलकुलेशन जैसे अगर आप यहाँ देखोगे अलेवन परसेंट ऑफ सिक्स फोर्टी फोर कैसे कर सकते हैं एलेवन परसेंट कैन बी ब्रेकअप एज टेन परसेंट प्लस वन परसेंट राइट टेन परसेंट कितना सिक्स फोर्टी फोर का सिक्सटी फोर पॉइंट फोर सिमिलरली वन परसेंट कितना होगा दो डेसिमल पीछे जाओ सिक्स पॉइंट फोर फोर तो इसका क्या आएगा ये पॉइंट फोर फोर पॉइंट फोर और ये सेवन जीरो पॉइंट एट फोर राइट आई होप दिस इज क्लियर एकदम जल्दी से आ जाता है इफ़ आई सिक्सटीन परसेंट सिक्सटीन परसेंट क्या होगा कैन बी ब्रेकटअप एज टेन परसेंट प्लस फाइव परसेंट फाइव परसेंट इज नथिंग बट टेन परसेंट बाई टू राइट प्लस वन परसेंट इसका टेन परसेंट कितना होगा फोर्टी एट प्लस 24 प्लस 4.8 राइट दैट मेक्स इट 72 प्लस 4.8 76.8 एट राइट आई होप इट इज क्लियर विद द सेम थिंग इफ आई सेन परसेंट जरूरी नहीं टेन और वन राइट टेन के थोड़े मल्टीपल भी सोचो सो सिक्सटी वन कैन बी ब्रेकअप एज 50 परसेंट प्लस 10 परसेंट राइट प्लस वन परसेंट तो इसका 10 परसेंट फिफ्टी परसेंट कितना होगा हाफ ऑफ इट सो दैट इज 170, सेवेंटी टेन परसेंट होगा थर्टी फोर प्लस थ्री पॉइंट फोर सो कितना आएगा ये टू नॉट फोर प्लस थ्री पॉइंट फोर टू नॉट सेवन पॉइंट फोर राइट सो आई होप इट इज क्लियर सो कभी भी बेसिक से कुछ परसेंटेजेस दिखे ग्यारह परसेंट उन्नीस परसेंट सोलह परसेंट राइट थर्टी वन परसेंट ट्राई टू थिंक ऑफ टेन एंड अ वन नाउ वॉट इफ अगर इतनी इजी क्वेश्चन नहीं है सर तो ठीक है

का आधा कितना होगा? साढ़े ऑफ एग्जामिनर फटाक से क्लिक होना चाहिए अगर मैं कहीं बोलू ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट टॉप वन सिक्सटी राइट कोई दस बीस परसेंट मेथड की जरूरत नहीं वन एट करना है आपको सीधा वन एट करोगे तो आंसर कितना आएगा बीस राइट सो ऐसे कैलकुलेशन के बीच में आएगा

16.6666 तो अगेन अगेन हाफ ऑफ इट, होगा का का आधा आधा फिगर गाइस, ये ही उसके बाद वन बाय फाइव कितना होता है हंड्रेड बाय फाइव बाय टेन इज इवन टेन परसेंट वन बाय ट्वेंटी फाइव वन बाय फिफ्टीन नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप कैसे याद रख सकते हो वन बाय फिफ्टीन में पांच प्लस एक वन बाय वन प्लस फाइव कितना होता है छ राइट right? तो इसका आंसर आएगा so, भी सिक्स पॉइंट सिक्स दिखा फटक से क्लिक होना चाहिए नथिंग बट वन बाय फिफ्टीन इज टॉकिंग अबाउट आई होप दिस इज क्लियर दिस आर द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स नाउ लेट्स लुक एट द अदर वन बाय सेवन ये भी सिंपल है याद रखना वन बाय सेवन इज कैसे याद रख सकते हो डबल डबल तो सेवन का डबल कितना होता है फोर्टीन राइट फोर्टीन का डबल कितना होता है ट्वेंटी एट सो वन बाय सेवन इज फोर्टीन पॉइंट टू एट वन बाय फोर्टीन कितना होगा गाइज उसका हाफ हो जाएगा राइट सो आई होप दिस इज क्लियर वन बाय सेवन ना वन बाय नाइन और वन बाय एलेवन राइट right? आपने नाइन इलेवन इंसिडेंट देखा होगा राइट डब्लू टी ओ वाला सो so, इतना है आई होप दिस इज क्लियर नाइन अलेवन ऐसे याद रखोगे नाउ वन बाय थर्टीन एक सिंपल तरीका याद रखने का अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो कैसे पढ़ा जाएगा तेरह मेरा सात राइट वन बाय थर्टीन इज सेवन पॉइंट सेवन परसेंट ठीक है वैसे जुगाड़ की याद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए दो चार बार आप यूज कर लोग तो इट वुड बी इन द लॉन्ग टर्म मेमरी ठीक है सो वन बाय थर्टीन इज सेवन पॉइंट सेवन परसेंट नाउ दिस इज अन सेट ऑफ थ्री नंबर्स वन बाय नाइनटीन वन बाय ट्वेंटी राइट तो आपने इसमें एक पैटर्न देखा होगा पहले वन बाय ट्वेंटी तो इजी है जीरो पॉइंट टू फाइव आप बढ़ा दो विल गेट वन बाय नाइनटीन राइट एंड जीरो पॉइंट टू फाइव घटा दो get 1 वन दैट इज फोर पॉइंट सेवन फाइव क्लियर है 5 1 by कितना होता है हंड्रेड बाई ट्वेंटी दैट इज फाइव वन बाय नाइनटीन कितना होगा पॉइंट टू फाइव बढ़ा दो फाइव पॉइंट टू फाइव वन बाय ट्वेंटी वन कितना होगा पॉइंट टू फाइव घटा दो फोर पॉइंट सेवन फाइव ठीक है सो so, आई होप सबको यहां तक क्लियर है, clear है? जितने भी हमने परसेंटेज देखे राइट इसका यूज कहा था अगर एक मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लू ठीक uh, है इट्स अ कैट क्वेश्चन पी व क्यू इट्स अ टाइम एंड वर्क क्वेश्चन बट स्टिल यू कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस अ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन एट डेज एक टाइम एंड वर्क का एक सिंपल सा फंडा पता होगा अगर कोई बंदा पूरा काम लेट से वन यूनिट का काम आठ दिन में करता है तो उसका वन डे वर्क कितना होगा इज वन बाय एट क्या सबको क्लियर है तो सिमिलरली <laughs> अगर कोई सेवन डेज में काम करता है कंप्लीट तो उसका वन डे वर्क कितना होगा सो so, पहले दिन जो बंदा आ रहा है उसका वो कितने दिन में काम कंप्लीट करता है एट डेज ही ही फॉर अ डे एंड देन इज हीस बाय मैन हु कैन डू अ वर्क इन डेज तो जो पहला बंदा है वह एक दिन काम कर रहा है सो डे वन में कितना काम होगा वन बाई राइट बट मुझे परसेंटेज नहीं मुझे फ्रैक्शन में चाहिए वन बाई कितना होता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंटेज राइट गोइंग टू दर्सेंटेज बिकॉज टोटल वर्क क्या हो जाएगा परसेंटेज केस में हंड्रेड परसेंट तो जहां पे हंड्रेड परसेंट टच हो गया वहां पर हमारा काम हो जाएगा सो डे वन पे बी ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट डे टू पे कौन आ रहा है ना डे टू पे द पर्सन कमिंग जो पूरा काम सेवन डेज में कर सकता है तो उसका काम कितना होगा वन बाय सेवन दैट इज फोर्टीन पॉइंट टू एट डे थ्री वन बाय सिक्स दैट इज सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स डे फोर वन बाय फाइव दैट इज ट्वेंटी परसेंट डे फाइव वन बाय फोर ट्वेंटी फाइव सो लेट्स लुक एक बार चेक करके देखते कि इस कितना परसेंटेज आ रहा है ये टोटल सो so, अप्रोक्स कर लो देखो एग्जैक्ट हंड्रेड नहीं आएगा उस कोई तो भी दिन में खत्म होगा ना काम सो लेट्स से थर्टीन हो गया राइट थर्टीन प्लस फिफ्टीन कितना हो गया ट्वेंटी एट दिस ट्वेंटी एट प्लस सेवेंटीन इज फोर्टी फाइव अराउंड राइट फोर्टी फाइव सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव स्टिल नाइनटी वो भी मैंने हायर एंड पे लिया है सो ऑबली वर्क नॉट गॉट कम्प्लीटेड सो फार सो आपको एक और दिन जाना पड़ेगा तो डे सिक्स भी लगेगा गाइज डे सिक्स मतलब वन थर्ड थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री राइट नाउ इट विल श्योरली एक्सीड मोर देन हंड्रेड राइट तो आपका जो 100 परसेंट टच हुआ कौन से दिन हुआ सिक्स डे में कभी तभी काम होगा इज नॉट आस्किंग एग्जैक्ट कितने बजे हुआ कौन से दिन खत्म होगा तो सिक्स डे वर्क वुड बी कंप्लीटेड राइट आई होप दिस इज क्लियर सिंपल हर चीज था देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था आप कुछ एलसीएम सोचोगे कुछ करेक्शन सोचोगे राइट right? बट अगर एक सिंपल सी चीज क्लिक हुई एकदम बेसिक्स ऑफ हंड्रेड ये परसेंटेजेस ही है राइट सो आंसर इज सिक्स सो आई होप द इम्पोर्टेंस ऑफ दट परसेंटेजेस आर क्लियर थोड़ा सा और आगे जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ टफ परसेंटेजेस है जो बहुत एग्जाम इनर यूज करता है सो एग्जाम इनर फेवरेट परसेंटेजेस सो द वेरी फर्स्ट इज अज ऑफ वन बाय राइट सो आई होप सबको याद है

नाइन अलेवन आई होप याद है किए थे तो so, सिंपल सा फंडा याद रखना नौ में ग्यारह ग्यारह में नौ आता है राइट वन बाय नाइन वॉज एलेवन पॉइंट एलेवन वन बाई एलेवन वॉज नाइन पॉइंट जीरो नाइन तो हाउ टू गो अबाउट इट ट्वेंटी टू पॉइंट ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ग्यारह के टेबल में आता है नौ के टेबल में आता है ट्वेंटी टू आता है ग्यारह के टेबल में तो नीचे आएगा गाइज नाइन राइट बिकॉज नौ ग्यारह होता है नाइन में अलेवन आता है एलेवन में नाइन आता है So, अगर ये ग्यारह के टेबल में आता है नीचे आएगा नाइन 11 टू जा ट्वेंटी टू सो इट्स अ टू 9, नाइन ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन सत्ताईस ग्यारह के टेबल में आता है नौ के टेबल में आता है सत्ताईस आता है नौ के टेबल में तो so, नीचे नौ नहीं आएगा क्या आएगा ग्यारह और नाइन कितने जा ट्वेंटी सेवन थ्री जा इट्स थ्री बायन तो विदम लॉजिक एज फिफ्टी फाइव पॉइंट फिफ्टी फाइव कितना होगा ग्यारह के टेबल में आता है नीचे नौ एलेवन फाइव जा इट इज फाइव बाय नाइन 54.54, 54.54 .54 कितना होगा नौ के टेबल में आता है तो नीचे आएगा एट कि कितना होगा ग्यारह के टेबल में आता है तो नीचे आएगा 11, नहीं ग्यारह के टेबल में नीचे नाइन 11, एट जा राइट एंड लास्ट वन नौ के टेबल में आता है तो नीचे आएगा एलेवन नाइन नाइन एटी वन इट्स नाइन बाई 11. 9, 9 होप दिस इज क्लियर नौ ग्यारह वाला सीरीज फटाक से देखते से आना चाहिए With द सेम थिंग मल्टीपल्स ऑफ वन बाय सेवन राइट वैसे तो इसमें जुगाड़ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बट स्टिल चाहिए तो हम ऐसे कुछ याद रख सकते हैं वन बाय सेवन अब मैंने कुछ नंबर्स लिखे इस फोर्टीन है ना सेवन का डबल डबल आपको आई होप याद होगा सेवन का डबल फोर्टीन फोर्टीन का डबल ट्वेंटी राउंड ऑफ करके फिफ्टी सेवन कर लिया राइट right? तो हाउ अगर इस सर्कल वाला मेथड मैंने जस्ट लिखा है दो डिजिट के, के बाद डेसिमल लगाना है तो ये कितना होगा फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट इफ आई से टू बाई सेवन विच इज डिजिट ओवर ईयर टू तो टू से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज सो टू एट पॉइंट फाइव सेवन परसेंट विच इज अ थर्ड स्मॉलेस्ट डिजिट ओवर इोर राइट तो फोर से शुरू करेंगे दो डिजिट राइट विच इज अ फोर्थ स्मॉलेस्ट डिजिट इट इज फाइव सो फोर बाय सेवन होगा फाइव सेवन पॉइंट वन फोर परसेंट राइट I hope this is clear. एक सर्कल वाला फंडा अगर याद रखना है तो फाइव 7 कितना होगा बट द सेवन राइट सेवन फोर टू परसेंट एंड सिक्स डिजिट विच इज दैट एट इनफैक्ट लार्जेस्ट डिजिट राइट सो एट कितना होगा वो एटी फाइव पॉइंट सेवन वन परसेंट राइट आई होप दिस इज क्लियर सेवन का मल्टीपल था ये <laughs> ठीक है नाउ सो बिफोर गोइंग अहेड अभी हमने कौन सा वाला देखा वन बाय नाइन देखा वन बाय सेवन देखा देर आर सम पर्टिकुलर परसेंटेज समर्टिकुलर जिसको याद रखोगे तो फायदा रहेगा कभी कभार आ आगे तो अदरवाइज दिस आर वेरी टफ वन ये क्या दिया है एक्स वाई पॉइंट एक्स वाई मतलब सेम डिजिट बिफोर द डिसमल सेम डिजिट आफ्टर द डिसमल तो इसका प्लीज याद रखना हमेशा आंसर होता है एक्स वाई अपॉन 99, ठीक है सिंपल सी चीज है गाइस, नोट्स बना लेना बट एकदम से याद होगा एक्स वाई अपॉन नाइनटी नाइन सो लेट्स डू दो थ्री कैलकुलेशन इसका क्या होगा फिर 18.18 .18 हो जाएगा 18 अपॉन नाइनटी नाइन इंटू फोर्टी फोर राइट सो नाइन टू जा नाइन एलेवन जा एलेवन फोर जा, फोर टू जा एट आई होप दिस इज क्लियर अगला क्या होगा ट्वेंटी वन ठीक है जो भी आएगा यू कैन डू द कैलकुलेशन लास्ट का क्या होगा फोर्टी वन अपॉन नाइन्टी नाइन इंटू वन नाइनटी एट सो आई होप दिस इज क्लियर बहुत जल्दी से हो जाता है अगर फर्स्ट देखो क्या ही टाइम लगेगा नाइनटी नाइन टू का फोर्टी वन इंटू टू एटी टू परसेंटेज एटी टू इन फैक्ट ठीक है ये कब होगा अगर डेसिमल के पहले सेम डिजिट डेसिमल के बाद सेम डिजिट सेकेंड टाइप इन दिस इज अगर आपका पर्सेंट ऐसा हो डेसिमल के पहले कुछ डिजिट और डेसिमल के बाद डबल हो या डबल से थोड़ा अप्रोक्सिमेट कुछ किया हो राइट सो so, इस केस में होता है एक्स वाई अपॉन नाइनटी एट ठीक है एक्स वाई अपॉन नाइनटी एट ठीक है यहां देखते हैं जैसे देखो ट्वेंटी टू डेसिमल के पहले डेसीमल के बाद क्या फोर्टी डबल ऑफ इट So, ये होगा एक्स वाई दैट इज ट्वेंटी टू अपॉन नाइन्टी एट इंटू वन नाइन सिक्स जीरो वाला बताओ मैंने क्या कहा था डबल या डबल से हल्का सा ज्यादा तो so, ट्वेंटी एट का डबल वैसे फिफ्टी सिक्स होता है जैसे फिफ्टी सेवन इतना चल जाएगा तो so, ये क्या आंसर होगा ट्वेंटी एट अपॉन एट इंटू फिफ्टी सिक्स सेवन से कट जाएगा सेवन एट जैवन फोर्टीन जा फोर्टीन वन जा फोर्टीन टू जट टू झा सिक्सटीन इज द करेक्ट आंसर ठीक है आई होप दिस इज क्लियर लास्ट वाला होगा थर्टी सिक्स अपॉन नाइनटी एट इंटू फोर नाइन डबल जीरो ठीक है जो भी आएगा देख लेना सो आई होप दिस इज क्लियर सो डेसीमल के पहले सेम डेसीमल के बाद में सेम कितना होगा एक्सवाई अपॉइंट नाइनटी नाइन डबल रहा तो एक्स वाई अपॉन नाइनटी एट इसको एक्सटेंड करके एक और आता है अगर कभी ट्रिपल रहा तो राइट right? ट्रिपल है, ट्रिपल से है तो इसका आंसर होगा अपॉन ठीक है बस ये तीन ही पैटर्न पे लगता है और आगे मत जाना नाइनटी सिक्स फाइव ऐसा नहीं बस ये तीन ही है दिस इज द लास्ट वन अगर ट्रिपल हो फोर्टीन इन थ्री दिख रहा है ट्वेंटी ट्वेल्व इंटू थ्री ट्वेंटी वन इंटू थ्री सो क्या आंसर होगा इसका फोर्टीन अपॉन नाइन्टी सेवेन इंटू नाइन सेवेंटी सो दिस इज वन फोर्टी इसका कितना होगा ट्वेल्व अपॉन नाइन्टी सेवेन इंटू वन नाइन्टी फोर नाइन्टी सेवन टू दिस इज ट्वेंटी फोर एंड इसका होगा ट्वेंटी वन ओवर नाइन्टी एट इंटू फोर एटी फाइव ठीक है हैं जो भी होगा सो आई होप दिस इज क्लियर जस्ट टू रिकैप हमने स्टार्ट से क्या देखा एकदम पहले बेसिक कैलकुलेशन विच कैन बी हैंडल राइट ग्यारह उन्नीस छब्बीस तो उसके लिए टेबल रन होना बहुत जरूरी है वाला, right? 2, फिर उसके हमने मल्टीपल्स देखे right? राइट right? वन बाय एट फिर वन बाय सेवन वन बाय नाइन वन बाय एलेवन राइट और दिसकल्टन जैसे

क्विकली राइट इट डाउन है ना तो उतना ही आपका रिविजन भी हो जाएगा सो इफ कितना परसेंट था इज वन फिफ्टी परसेंट वन बाय थ्री थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट राइट इट वुड बी वॉट ट्वेंटी फाइव परसेंट वन बाय फाइव कितना होता है ट्वेंटी परसेंट वन बाय सिक्स हाफ ऑफ थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट वन बाय सेवन इज सेवन का डबल फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट राइट डबल डबल सेवन का डबल फोर्टीन फोर्टीन का डबल ट्वेंटी एट वन 8 एट कितना होगा परसेंटेज वन बाय नाइन वन बाय अलेवन हमने कहा था सात में याद रखो राइट right? नौ में ग्यारह आता है ग्यारह में नौ आता है 11.11 पॉइंट एलेवन परसेंट वन बाय अलेवन वुड बी नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट वन बाय ट्वेल्व क्या होगा वन बाय सिक्स का हाफ सोलह का आधा छः आठ पॉइंट थ्री थ्री परसेंट वन बाय थर्टीन याद है तेरा मेरा साथ यार लकी अनलकी नंबर कुछ कर सकते हो तेरा इज कंसिडर्ड टू पी अनलकी नंबर राइट अनलकी वंस लकी ट्वाइस सेवन पॉइंट सेवन परसेंट वन बाय फोर्टीन इट वुड बी हाफ ऑफ वन बाय सेवन फोर्टीन का हाफ सेवन सेवन पॉइंट वन फोर परसेंट 1 by 15, याद है बताया था so साढ़े बारह है तो ट्वेल्व का आधा छाइंट टू फाइव वन बाय सेवनटीन नहीं करता याद रख लेना बट फाइव पॉइंट एट एट परसेंट राइट वन बाई सेवनटीन इज फाइव पॉइंटीन क्या होगा इसका हाफ का तो डिटर्जेंट की ऐसा कुछ आता है वो वैसे भी 1 वन बाय नाइनटीन बाई ट्वेंटी कैसे बताया था वन बाय ट्वेंटी इज हंड्रेड बाई ट्वेंटी दैट इज फाइव परसेंट राइट इसमें जीरो पॉइंट टू फाइव जोड़ दो और इसमें से जीरो पॉइंट टू फाइव घटा दो जीरो पॉइंट टू फाइव जोड़ दोगे फाइव पॉइंट टू फाइव 0.25 घटा दोगे तो 4.75 राइट नाउ दिस इज वेरी मैंडेटरी गाइस ये याद होने ही होने चाहिए ठीक है सो हैविंग लर्न दिस लेट्स गो टू द क्वेश्चंस नाउ सो नाउ टुडे विल बी डूइंग व्हाट कंसेप्ट ऑफ बेस कोई भी परसेंटेज बिना बेस का एग्जिस्ट नहीं करता राइट right? बेस हमेशा होगा सो हाउ टू आइडेंटिफाई बेस तो ये ध्यान रखो बेस पहली बात हमेशा आता है डिनोमिनेटर में ठीक है कहां पे आता है डिनोमिनेटर और बेस के की राइट सो अब देर आर टू थिंग्स एक तो कीवर्ड इसके कुछ कीवर्ड होते हैं क्या, क्या क्या कीवर्ड होते हैं बताता हूं एक तो डायरेक्टली कीवर्ड दिया रहेगा कीवर्ड डायरेक्टली गिवन या फिर नॉट डायरेक्ट तो जैसे डायरेक्टली जो की वर्ड होते क्या होते ऑफ या फिर देन जो भी ऑफ के या देन के बाद आ रहा है वो आपका बेस होता है राइट एक्स इज वॉट ऑफ वाई तो ऑफ के बाद कौन है वाई वो आपका बेस है वो कहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में जब भी ये कीवर्ड ना दिखे आपको ऑफ या देन कुछ नहीं दिख रहा है नो no कीवर्ड तो आपको <laughs> लेना पड़ेगा बेस एज अ टोटल तब आप बेस क्या लोगे टोटल जो भी वहां पे टोटल गिवन होगा उसको आपको बेस लेना पड़ेगा ठीक so, है सो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल उसने डायरेक्टली बोला है तो यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं तो आप इसमें क्या लोगे टोटल लोगे रेफरेंस तो मेल अपॉन टोटल मतलब मेल प्लस फीमेल इन टू हंड्रेड राइट तो जो भी आएगा इनफैक्ट यू कैन वर्क ऑन रेशियोज तो थ्री और फाइव ले लो तो so, इसका आंसर आएगा थ्री बाय एट थ्री बाय थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंटेज ठीक है सेकेंड मेल पॉपुलेशन इज वॉट परसेंट ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन सो टेक्निकली वॉट इज दर्स्किंग मेल अपॉन फीमेल इन टू हंड्रेड हाउ मेनी मेल थ्री थ्री बाय फाइव वॉट इज थ्री बाय फाइव वन बाय फाइव अगर ट्वेंटी था तो थ्री बाय फाइव होगा ट्रिपल ऑफ इट सिक्सटी परसेंट राइट अगला दो की वर्ड है लेस और देन देन इंडिकेट्स देन के बाद वाला बेस होगा कभी भी मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज ये सारे जो कीवर्ड होते हैं लेस मोर इंक्रीज डिक्रीज ये सारे कीवर्ड आपको एक ही चीज बताते हैं दैट इज डिफरेंस ठीक है दैट इज डिफरेंस क्लियर है सो व्हाट इज सेइंग मेल पॉपुलेशन इज व्हाट परसेंट लेस देन फीमेल तो लेस देन मतलब फीमेल माइनस मेल राइट बिकॉज मेल इज लेस देन के बाद कौन है देन के बाद फीमेल है तो अपॉन फीमेल इन टू हंड्रेड राइट सो वॉट इज फीमेल माइनस मेल फाइव माइनस थ्री टू फीमेल आर फाइव टू बाई फाइव इन टू हंड्रेड तो इसका आंसर आएगा फोर्टी परसेंट ठीक है लास्ट वन फीमेल इज वॉट मोर दे माइनस मेल बट दे के बाद कौन है मेल इंटू हंड्रेड राइट सो ऊपर तो आएगा टू बट दिस साइन यूनिट टू कंपेयर विद मेल कितना है थ्री टू बाई थ्री इन टू हंड्रेड वन बाय थ्री थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री था डबल ऑफ इट 66.66, राइट सो आई होप क्लियर है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बट आपको ध्यान रखना है की वर्ड गिवेन है यानी ऑफ या देन के बाद जो भी होगा वो आपका बेस है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट सॉल्व सम फ्यू क्वेश्चन सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट लेट्स डू इट जेठालाल स्पेंड्स 20% परसेंट ऑफ इज इनकम ऑन द पेट्रोल ठीक है तो जो भी इसकी इनकम है लेट्स से मैं यहां लिखता हूं टोटल इनकम ज हंड्रेड के वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट ठीक है डोट नोट यू सो पहला पार्ट पहला उसमें किस में जा रहा है पेट्रोल में सो so, पेट्रोल में कितना गया ट्वेंटी परसेंट ऑफ इनकम कुछ नहीं दिया तो ऑफ इनकम इज ट्वेंटी के राइट सो सौ में से बीस रुपए पेट्रोल में गए फिर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन द रेंट अब फिर कुछ बेस नहीं दिया है डायरेक्टली ट्वेंटी परसेंट बोला है तो जब भी बेस नहीं दिया होता है कीवर्ड नहीं होता तो हम बेस क्या लेंगे टोटल So, 25 of 100, तो रेंट में कितना पच्चीस के टेन परसेंट ऑन द क्लॉथ सो अगेन वही क्लॉथ में कितने जाएंगे फूड सो हाउ मच एज गॉन ऑन द फूड रिमेनिंग फोर्टी फाइव स्पेंट इूड वॉज बचा हुआ फोर्टी फाइव के राइट आई होप क्लियर सो फॉर अब उसने क्या दिया है बताओ एक्चुअल अमाउंट सत्ताईस रुपए अगर फूड में गए तो एक्सपेंडिचर ऑन द रेंट सो फूड में हमारे हिसाब से कितना गया? राइट सो दिसंटी सेवन हंड्रेड राइट के आ जाएगा आपका ट्वेंटी सेवन बाई फोर्टी फाइव नाइन ये होगा सिक्स राइट तो ये सिक्सटी आएगा सो वॉट इज यस्किंग रेंट रेंट इज य हंड्रेड शुड बी योर आंसर राइट आई होप दिस इज क्लियर एकदम सिंपल क्वेश्चन था आपको सिर्फ मैपिंग करनी थी ठीक है सो आई हैविंग डन दिस एक बार यह क्वेश्चन ट्राई करना सभी सिमिलरली जेठालाल स्पेंटी परसेंट ऑफ इज इनकम राइट बट एक चीज ध्यान से देखो यहां पे क्या है ट्वेंटी परसेंट इस इनकम ऑन द पेट्रोल ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रिमेनिंग राइट इन दिस नाउ बेस इज क्लियरली डिफाइंड पिछले वाले क्वेश्चन में बेस डिफाइंड नहीं था ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन हाउस रेंट सीधा बोला था राइट right? बट यहां क्लियर है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रिमेनिंग राइट तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट द बेस सो अगर मैंने टोटल इनकम लिया हंड्रेड के राइट सो so, ये तो क्लियर है कि पेट्रोल में मेरा कितना जा रहा है ट्वेंटी के दैट इज नॉट द इश्यू बट कमिंग टू द रेंट बी वेरी केयरफुल ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ रिमेनिंग सौ में से बीस रुपए पेट्रोल में गए बचे कितने गए अस्सी सो ऑफ एटी के राइट सो बेसिकली वन फोर्थ ऑफ एटी सो रेंट पे जाएगा ट्वेंटी के राइट देन टेन परसेंट अगेन ऑफ द रिमेनिंग कितना बचा है फिर ग्रोज ऑन द क्लॉथ क्लॉथ पे होगा आपका ये बीस गया बीस और बीस चालीस राइट सो टेन परसेंट ऑफ चालीस गया सौ में से तो बचा सिक्सटी ऑफ सिक्सटी के सो क्लॉथ में एक्चुअली कितना गया सिक्स के राइट सो टोटल अब तक कितना गया बीस बीस चालीस और छ सो द नाउ रिमेनिंग इज ऑन फूड

हंड्रेड के राइट किस टाइप के लोग है सिक्सटी परसेंट ऑफ द पीपल आर मेन सिक्सटी परसेंट पीपल राइट कुछ नहीं दिया तो आप टोटल को बेस लोगे तो मेन कितने हुए वूमन कितनी हो गई बचे हो गए राइट फोर्टी के ठीक है एक सौ सोलह मैरिड ये वाली लाइन को हम बाद में देखेंगे ठीक है पहले परसेंटेज को निपटा देते एक्चुअल फिगर लास्ट में आएंगे

हाउस वाइफ आर रिमेनिंग दैट इज फोर्टी माइनस ट्वेल्व इज ट्वेंटी एट के ओके सो दिस इज एन एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ये दिख रहा है ऑफ ऑफ द मैरिड वुमन आर हाउसवाइफ सॉरी मैरिड ये होगा अनमैरिड ठीक है सो दिस इज मैरिड दिस इज मैरिड ठीक है uh, फिर 25% ऑफ द मैरिड वुमन आर हाउसवाइफ सो मैरिड वुमन उसका 25% कितना होगा ये 25% ऑफ 12 राइट right? सो so 12 वन फोर दैट इज थ्री के ये क्या होगी हाउसवाइफ सो बच्चे क्या वर्किंग वर्किंग कितने होंगे बचे हुए 12 में से तीन अगर हाउसवाइफ है तो वर्किंग होगी नाइन के ठीक है गुड सो सोफार

टोटल मैरिड कितने गए सेवेंटी तो जो बचे हुए मैरिड क्या होंगे वो मेन होंगे सो अगर सत्तर में से बारह मैरिड वुमन है तो मेन कितने मैरिड होंगे बचे हुए सेवेंटी माइनस ट्वेल्व दट इज फिफ्टी एट के राइट तो रेस्ट वुड बी अनमैरिड आई होप द डेटा इज क्लियर नाउ नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन इनफैक्ट एक फाइनल डेटा है राइट right? अमोंग द मैन वन वन सिक्स आर मैरिड हमारे हिसाब से टोटल कितने मैरिड मैन है मैन मैरिड फिफ्टी एट के सो दिस फिफ्टी एट के शुड भी इक्वल टू वन वन सिक्स के आ जाएगा आपका दो राइट right? तो उसको जो भी चाहिए दे दो व्हाट इज दस्किंग नाउ फाइंग द नंबर ऑफ मैरिड वर्किंग वुमेन राइट वुमन मैरिड वर्किंग सो बेसिकली इज आस्किंग नाइन के के का वैल्यू आपका कितना है दो तो क्या आंसर होगा नाइन इंटू टू एटीन आई होप दिस इज क्लियर क्वेश्चन सिंपल था इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बस आपको एक अप्रोच सोचना था एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कौन सा परसेंट कौन से बेस पे लगेगा राइट right? तो वो पहचानने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था ऑफ या देन वो की को आप ध्यान रखोगे ठीक है आई होप दिस इज क्लियर नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इनफैक्ट नेक्स्ट वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ बेस दैट इज इलेक्शन वाले क्वेश्चन ठीक है इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है ना इलेक्शन so, बेस्ड जो भी आएंगे, एक जो बच्चे करते हैं, ध्यान से देखना। टोटल वोट आई पता है क्या होता है टोटल मतलब एक एरिया के जितने भी वोटर आईडी कार्ड जितने भी लोगों का होगा राइट पोल्ड वोट कितने लोग एक्चुअली पोल के? कुछ लोग घर पे होंगे छुट्टी कर रहे होंगे कुछ आउट ऑफ स्टेशन होंगे राइट right? So, कितने लोग एक्चुअली गए वैलिड वोट जाने के बाद भी जरूरी नहीं सब लोग वैलिड वोट कोई कोई दो लोगों को वोट करके आएगा राइट right? कोई बराबर बटन ही क्लिक नहीं करेगा सो वोट कॉल्ड एज अनवैलिड राइट तो इस बार देखो सबका ऑफ दिख रहा है ये टेन परसेंट ऑफ टोटल वोट टेन परसेंट ऑफ पोल्ड वोट तो सबका बेस अलग है राइट दिस आर द बेसिस तो ये जो भी इलेक्शन वाले क्वेश्चन है आपको सिर्फ और सिर्फ बेस में घुमाएगा दैट इज ऑफ वाले में ठीक है सो इफ यू बी केयरफुल अबाउट दिस कि बेस किस पे लग रहा है तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन तो लेट्स गो वेरी स्टेप बाय स्टेप अच्छा एक दो चीज और याद रखना इलेक्शन में <laughs> जब भी ऐसा कुछ बोलता है मेजोरिटी क्या होता है मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन बिटवीन विनर एंड लूजर डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर ठीक है तो विनर को जितना मिला होगा लूजर को जितना मिला होगा उनका जो भी डिफरेंस होगा दैट वी कॉल इट एज अ मेजोरिटी ठीक है तो दो पॉइंट याद रखना है इजी क्वेश्चन है शुरू करते हैं इसमें लेट से टोटल वोट लेते हैं फिर से वही हंड्रेड के सो टोटल वोट कितने हुए हंड्रेड के अब हंड्रेड के में से Got 64% so so कितने बचे हुए गए सौ में से 64 गए 36 के एंड उसने कहा है विनर वोन बाय मेजोरिटी ऑफ टू टू फोर जीरो मेजोरिटी अभी हमने कहा था मेजोरिटी मतलब क्या होता है डिफरेंस राइट तो हमारा डिफरेंस कितना है 64 और 36 व्हाट आर द डिफरेंस सिक्सटी फोर माइनस थर्टी सिक्स इज थर्टी एट के राइट इनफैक्ट ट्वेंटी एट के राइट ट्वेंटी एट के सो ट्वेंटी एट के शुड बी इक्वल टू 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 फोर जीरो तो आपका के आ जाएगा टू टू फोर जीरो ट्वेंटी एट थोड़ा सा सोचो ट्वेंटी एट दस से तो कम होगा ट्वेंटी एट एट से एंड होकर इंड में फोर आना चाहिए तो एट जा हो जाएगा ना

Now, in this question. फिर से वही प्रोसेस टोटल वोट कितने होंगे टोटल वोट हंड्रेड के बट नाउ टेन परसेंट वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स ठीक है तो दस परसेंट लोगों ने वोट ही नहीं दिया तो ये तो टोटल वोट्स है सो वॉट इज द पोअल्ड वोट्स गाइड पोअल्ड वोट्स दस परसेंट ना तो सौ में से दस गया नाइन्टी के राइट नाउ दिस 90 का हमको बायफर्केशन करना है बट प्लीज बी केयरफुल ये भले ही नाइनटी से हो रहा है ये विनर होगा ये लूजर होगा बट वो जो भी आंकड़ा है विनर लूजर का आपको कैसे भी दे सकता है जैसे यहां देखो क्या दिया सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब विनर विनर गॉट 54 परसेंट ऑफ द टोटल वोट दिख रहा है ये ऑफ भड़ से 50 परसेंट नाइन्टी का मत ले लेना राइट right? ये फिगर भले ही 90 में से ही आएगा बट वो फिगर दे आपको कहीं से भी सकता है वो सो so, 50 परसेंट ऑफ टोटल वोट सो विनर को कितने मिले गए फिफ्टी के आएंगे 90 में से तो ही बिकॉज कोल्ड तो उतनी गए ना सो so, 90 में से 54 गए कितना बचा फोर्टी के आई होप दिस इज क्लियर नाउ फिर तो अभी तो वही सिंपल पार्ट है मेजोरिटी हमारा कितना डिफरेंस है ये 54 फोर प्लस फोर्टी सिक्स दैट इज एट के यार फिर से गड़बड़ एक सेकेंड दिस इज 36 सिक्स दिस इज थर्टी राइट सो 54 फोर माइनस थर्टी इज एटीन के एटीन के इज इक्वल टू दिस डिफरेंस इज 1530 राइट के कितना आ जाएगा आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा ना सो दिस इज टू नाइन वन जा नाइन तो के आपका 85 फाइव आया तो टोटल वोट्स कितने आ जाएंगे एटी फाइव हंड्रेड राइट सी ऑप्शन क्या सबको क्लियर है सो so आपको इसमें किस पे केयरफुल रहना है ये जो भी off या then, जो भी भी ऑफ है है पे आपका ठीक आई होप दिस इज क्लियर नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये हल्का सा और टेढ़ा है बिकॉज इसमें एक एक करके हम धीरे धीरे कंपोनेंट ऐड करते रहे राइट सो पहला क्या था टोटल वोट्स कितने टोटल वोट्स लोगे हंड्रेड के फिर पोल्ड वोट्स पोल्ड कितने के टेन परसेंट डिट नॉट कास्ट तो पोल्ड एक्चुअली नाइनटी के अब टोट तो, कुछ वोट्स इनवैलिड भी हुए तो इनवैलिड को आप काट दोगे तो आपको क्या मिलेंगे वैलिड वोट्स अभी जरा ध्यान से वैलिड वोट का वो परसेंटेज पढ़ो टेन परसेंट ऑफ ऑफ टोटल वोट एकदम फ्लो फ्लो में नब्बे का टेन परसेंट मत लेना ले, नब्बे का टेन परसेंट ले लोगे पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा नाइन करके आप एटी वन लिख लोगे यहाँ पे राइट एंड क्वेश्चन यही पे गलत हो गया आपका बिकॉज ये जो इनवैलिड है कहाँ तो पे दिया उसने टेन परसेंट ऑफ टोटल वोट राइट तो टोटल का टेन परसेंट टोटल कितना है हंड्रेड हंड्रेड का टेन परसेंट कितना होगा टेन सो गाइस टेन ही वोट है जो इनवैलिड है तो नब्बे में से दस गए कितने बचे अस्सी इज इट क्लियर वाई नॉट एटी वन बिकॉज मैंने पहले ही कहा था इलेक्शन वाला जो भी क्वेश्चन है ये ऑफ वगैरह में घुमाएगा आपको राइट नाउ द विनर एंड द लूजर विनर लूजर अभी फिर से ऑफ सिक्स परसेंट ऑफ वैलिड वोट सिक्सटी परसेंट ऑफ वैलिड वोट सो विनर को कितना मिला है सिक्सटी परसेंट ऑफ एटी फोर्टी एट के राइट पिछली बार यही फिगर हमको टोटल से दिया था आपको याद होगा तो एंड फिर कितना बचा गया एटी में से फोर्टी एट गया थर्टी टू के सो और द मेजोरिटी अड़तालीस और ये सिक्सटीन के राइट सो सिक्सटीन के बराबर है थ्री फाइव टू जीरो सो के आ जाएगा आपका सिक्सटीन टू जार थर्टी टू सिक्सटीन टू झार दो सौ बीस टू टू ट्रिपल जीरो राइट आई होप सबको एक क्लियर है सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट कौन सा ये ऑफ कहा लग रहा है राइट right? तो so, जब भी इलेक्शन का क्वेश्चन है आपको बस ये ऑफ वाले में ही ध्यान देना है राइट नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन राइट इसके पहले हमने जो भी क्वेश्चन किए देखो स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन राइट मेजोरिटी का डिफरेंस सीधा वन लेवल पे डिफरेंस आ गया था देन टू जहां पे पोल वोट दिए थे राइट right? फिर पोल्ड के बाद हमने देखा वैलिड दिया है बट यहाँ पे क्या था फ्लो में जा रहा था कि दस परसेंट माइनस हुए राइट right? तो इसी का परसेंट देन इसका कुछ हुआ सो परसेंटेज इज वेर गिवन और जो के आ रहा था सीधा हमारा लास्ट में आ रहा था वेर एज इन दिस क्वेश्चन एक बार देखते क्या दिया है पहले तो आप टोटल वोट्स लोगे राइट सो वॉट बी टोटल हंड्रेड के फिर टोटल के बाद आएगा आपका टेन परसेंट डिड नॉट पोल्ड सो पोल्ड कितने होंगे डिड नॉट पोल्ड मतलब ये ये माइनस करके आपका आएगा के राइट right? अब जो वैलिड है उसके लिए देखो परसेंटेज में नहीं दिया उसने क्या किया है 2250 सौ पचास वेर फाउंड इन वैलिड तो 2250 माइनस होगा और फिर ये वैलिड आएगा फिर वैलिड का दो पार्ट है विनर एंड लूजर

तो अगर मैं 2250 ऐड कर दूंगा वोट वोट कितना आएगा इतना मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 22,500 राइट नाउ ये जो 22,500 हजार पाँच सौ ये क्या है पोल्ड इज़ 10% बट बेसिकली परसेंट बट क्वेश्चन में हमको पूछा सो अगर टोटल नाइनटी परसेंट इज इक्वेल टू बाईस सो टोटल कितना होगा सो बाईस सो इन फैक्ट ये नब्बे है तो टोटल क्या आएगा हंड्रेड so, कितना राइट सो वन जीरो कैंसल्स आउट नाइन टू जवेंटी थाउजेंड राइट तेरा क्वेश्चन था नो डाउट राइट दिसफेस्ट क्वेश्चन यू कैन गेट इन एन वोट्स बट अगर आपके फंडे आपके बेसिक्स क्लियर है इज अ वेरी मच डोएबल और ये जो हम डायग्राम बता रहे फ्लो इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो एक थॉट में आपका जो वोबलाइजेशन होता है वो कैसे होना चाहिए स्टेप बाई स्टेप अगर स्टेप्स क्लियर है तो आपको फट से पूरा वैसे ही बाईपास कर सकते हो राइट right? जैसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के टाइप का, right? ऐसे कुछ है, 10 by, so ये कट गए, फिर इसको हम कैसे start करेंगे? If I want to do? मैं लिख रहा हूं राइट सबसे पहले मैं वैलिड निकालूंगा वैलिड का बेस है ना बिकॉज सिक्सटी परसेंट ऑफ द वैलिड वोट्स थ्री फाइव टू जीरो सो सक्सेसफुल को मिले 60 परसेंट ये सब ओरली करो फिर हम चार्ट से भी करते एक बार बट हाउ फास्ट यू कैन गो इफ स्टेप्स आर क्लियर दैट आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट राइट विनर को 60 परसेंट टू लूजर को 40 परसेंट डिफरेंस कितना हुआ? 20 परसेंट सो ट्वेंटी परसेंट इज इक्वल टू थ्री फाइव टू जीरो सो 3520 इज ट्वेंटी परसेंट हंड्रेड कितना राइट सो एक जीरो आता है टू वन सेवन सिक्स राइट वन सेवन सिक्स डबल जीरो सेवनटीन थाउजेंड ये आए मेरे वैलिड वोट राइट right? तो गैस पोल कितने आएंगे पोल होंगे सेवनटीन थाउजेंड प्लस ये जितने भी उसमें आपको आ, इन आ, जो वोट्स नहीं जिन्होंने दिए राइट right? पोल प्लस ये सो कितना होगा बताओ ये इसमें आप नाउ ट्वेंटी ऐड कर दोगे कितना आएगा ये बताओ 76,000 सिक्स दिस पार्ट विल कम आउट टू बी 19800 राइट 19,800 ये तो पोल्ड है बट हमको क्या चाहिए टोटल सो so, टोटल कितना है कि? <laughs> कितने लोगों ने वोट नहीं दिए बताओ 10 परसेंट नहीं, नहीं दिए तो so, पोल्ड कितने थे 90 परसेंट नब्बे परसेंट की ये वैल्यू है तो 100 परसेंट कितना सो so, 90 परसेंट की अगर ये वैल्यू है तो 100 परसेंट कितना राइट नाइन टूजा ट्वेंटी टू थाउजेंड इज द आंसर राइट समझ में आ रहा है देखो मैंने अभी इस बार कोई डायग्राम नहीं बनाई बट फ्लो आपको तभी क्लियर होगा वेन यू आर वेरी क्लियर वॉट यू आर डूइंग सो कैसे करोगे क्वेश्चन टोटल एक बार टेबल से ये मुझे नहीं पता पोल्ड ये भी नहीं मुझे पता बट ये मुझे गैप पता है कितना है गेज बाईस का देन आई गेट वैलिड वैलिड से आई स्टार्ट टेकिंग वैल्यू 100 के बिकॉज वैलिड का बेस दिया है देन वैलिड के बाद सिक्सटी परसेंट इज विनर दैट इज सिक्सटी के लूजर इज फोर्टी के वॉट इज द डिफरेंस ट्वेंटी के विच इज इक्वल टू थ्री फाइव टू जीरो राइट सो आपका के आ जाएगा यहाँ से वन सेवेंटी सिक्स तो वन सेवेंटी सिक्स जैसे ही आए हंड्रेड के मतलब आपके वैलिड वोट्स हो गए वन सेवन सिक्स डबल जीरो राइट right? इसमें आप ये माइनस करके आए तो ऐड करोगे तो आपके पोल्ड वोट्स आ जाएंगे थाउजेंड एट हंड्रेड राइट ये भी टेन परसेंट माइनस था अगर तो हंड्रेड कितना वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड वी है वेरी टफेस्ट पार्ट थोड़ा टाइम लो इसका प्रैक्टिस करो राइट चार्जशीट के क्वेश्चन सॉल्व करो सो इन दिस वीडियो हमने क्या क्या किया कंसेप्ट ऑफ बेस किया एंड वेरी ब्यूटिफुल एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ बेस दैट इज इन

एफ वीज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपऑन इनिशियल वैल्यू इंटू हंड्रेड ठीक है मतलब एग्जाम्पल लेट से कोई चीज पहले एटी थी एटी से कितनी हुई हंड्रेड एंड ट्वेंटी लेट से सो वॉट इज द परसेंटेज इंक्रीज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपऑन इनिशियल वैल्यू इंटू हंड्रेड ठीक है सिमिलरली इट कैन गो डिक्रीज एज वेल अगर आपको इंग्लिश में नहीं याद रहता तो हिंदी में आप याद रख सकते हो कितना बड़ा या कितना घटा अपॉन कहा से राइट नाउ दिस बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है हमको कितना बड़ा या कितना घटा अपॉन कहा से दैट इज अ परसेंटेज इंक्रीज और अ अ डिक्रीज लेट्स लेट्स स्टार्ट टेक वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जैसे कि ये देखो राम की सैलरी पहले <laughs> 630 थी 630 से कितनी हो गई 700 कितना बड़ा 630 से 700 मतलब 70 बड़ा कहा से बड़ा डोंट डिवाइडेड विद सेवन हंड्रेड राइट जो इजी लगता है वो नहीं करोगे अगर ये कर लोगे तो आंसर ऑप्शन में दिखेगा टेन परसेंट बट माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू होना चाहिए या अगर आप हिंदी में याद रखोगे तो क्या कहा था हमने कितना बड़ा अपॉन कहा से बड़ा तो कहाँ से बढ़ रहा है गाइज सिक्स थर्टी इंटू हंड्रेड बट इंटू हंड्रेड आप तभी यूज करो जब हमको टेबल लन बट हमको तो फ्रैक्शन टेबल अच्छे से लर्न है राइट right? दिस इज नाइन वॉट इज वन नाइन सबको याद है ना वन बाई नाइन इज एलेवन पॉइंट एलेवन ऑफ दिसवन पॉइंट क्लियर परसेंटेज इंक्रीज इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू हंड्रेड लेट्स गो अटेप एक शॉर्टकट याद रखना राइट कोई भी वैल्यू अगर एंड टाइम्स होती है परसेंटेज इंक्रीज वुड ऑलवेज बी एन माइनस 1 इंटू हंड्रेड परसेंट ठीक है क्या क्लियर है अगर मैं कहीं बोलू 90 से कोई चीज 360 हो गई राइट right? कितने टाइम्स हो रही है वैल्यू फोर टाइम्स सो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा चार में से एक कम करो तीन दो जीरो चिपका दो तीन सौ परसेंट राइट right? कल चल के आप कई बड़ी कंपनी में काम करोगे राइट right? या शार्क टैंक अगर आपने देखी होगी वो सब ऐसी लैंग्वेज यूज़ करोगे माय प्रॉफिट गॉट ट्रिपल्ड राइट right? तो फटाक से आना चाहिए अच्छा ट्रिपल हुआ मतलब देर इज दे अ इंक्रीज ऑफ टू तू, टू हंड्रेड परसेंट राइट सो कहीं भी बोला डबल डबल मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा गाइज इंटू टू टाइम्स हुआ हंड्रेड परसेंट कहीं बोला ट्रिपल तीन में से एक कम करो दो सौ कहीं बोला एनीथिंग बिकम्स फाइव टाइम्स वॉट इज द परसेंटेज इंक्रीज फाइव में से एक कम फोर हंड्रेड राइट नाइन इंटू सिक्स थर्टी कितने सेवन टाइम्स ये होगा सिक्स हंड्रेड परसेंट सेवन इंटू सेवेंटी सेवन इज इलेवन टाइम्स राइट तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा ग्यारह में से एक कम करो दस दो जीरो चिपका दो हजार परसेंट इंक्रीज क्या ही क्लियर है सो दिस इज कोई भी वैल्यू एन टाइम्स होती है तो परसेंटेज इंक्रीज होगा एन माइनस वन

धीरे धीरे सोच के बताओ कोई चीज अगर 300 परसेंट से इंक्रीज हुई तो वैल्यू कितने टाइम्स होगी जैसे बच्चों की तरह x प्लस थ्री हंड्रेड परसेंट ऑफ एक्स ये नहीं करते बैठना है राइट एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है यू हैव टू बी वेरी अजाई 300 हंड्रेड परसेंट टाइम्स और ये दो जीरो कम कर दो बचा तीन प्लस वन करोगे बिकॉज एंड टाइम्स परसेंटेज पे माइनस वन होता था रिवर्स जाओगे तो प्लस होगा सो दिस वैल्यू हैज टू बिकम फोर टाइम्स राइट सिमिलरली कहीं पे अगर 700 परसेंट इंक्रीज हो रहा है वैल्यू कितने टाइम्स टाइम्स होगी दो जीरो हटाओ एक करोगे राइट कहीं पे इंक्रीज हजार परसेंट का हो रहा है तो दो जीरो छुपाओ कितना बचा दस एक एड होगा तो वैल्यू वुड मल्टीप्लाइड बाय एलेवन टाइम्स राइट सो आई होप दिस इज क्लियर कि वैल्यू एन टाइम्स होती हो तो एन माइनस वन इंटू हंड्रेड परसेंट राइट ये बहुत बार आप देखोगे जैसे ये शार्क टाइम में आपने देखा ही हुआ राइट दिस गाय पियूष की नविदा ठाकुर राइट एक एपिसोड में उसने कही बोला था कि आई हैव इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ माय लेंस कार्ड फ्रॉम फाइव टू सेवेंटी लैक्स राइट तो ये आप फर्ट से बोलती है मैडम ओ दैट इज दिस मच परसेंट इंक्रीज कितना होगा बताओ पांच से सत्तर हुआ कितने टाइम्स हुआ मतलब फोर्टीन टाइम्स कोई चीज चौदह गुना हुई है मतलब परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा एक कम करो तेरा और दो शून्य चिपका दो थर्टीन हंड्रेड परसेंट इंक्रीज ठीक है तो उसने जो भी होगा उसका रेवेन्यू कितने से शूट किया थर्टीन हंड्रेड परसेंट राइट तो डोंट टेक इट एज ये सारी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली चीजें है राइट right? मैथ समझ के मत करो ठीक है सो लेट सॉल्व सम क्वेश्चन ऑन दिस आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर परसेंटेज इंक्रीज नॉर्मल फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इन टू हंड्रेड या फिर कितना बड़ा अपॉन कहा से बड़ा और ये वाला एक शॉर्टकट याद रखना n टाइम्स हुआ तो परसेंटेज इंक्रीज इज एन माइनस वन इन हंड्रेड सो अ वेरी इजी क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ कैसे करेंगे इसको कोई भी नंबर ले लो बट से एक्स वैक्स मत लो राइट डोंट टेक इट एक्स वैक्स इक्वेशन में कोई जरूरत नहीं है कुछ भी नंबर ले सकते हो लेट्स से मैंने नंबर लिया टेन अब उसने क्या बोला है

यहां पे फ्रैक्शन दिया है तो नंबर क्या लोगे एक नंबर ऐसा जो उसने थर, थ्री फिफ्थ किया दूसरा नंबर ऐसा जिसने वो फाइव थर्ड किया सो so, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? तीन और पांच तो आप कुछ नंबर ऐसा अज्यूम करो जो तीन और पांच दोनों से कुछ तो डिवाइड हो जाए पंद्रह लो तीस लो बट हंड्रेड वगैरह मतलब जो ऐसे नंबर जो तीन और पांच से डिवाइड ना हो राइट सो लेट्स से इफ आई टेक फिफ्टीन ओनली राइट सो so का थ्री फिफ्ट कितना होगा फाइव 5 फाइव /5 कट जाएगा और दैट इज ये हो जाएगा इंटू फाइव बाई थ्री थ्री फाइव फाइव राइट अब एकदम से नहीं दिखेगा अब यह आपको बेस पहचानना बहुत जरूरी है बेस क्या होगा बेस कैसे पहचानते याद है जो भी ऑफ है दैन के बाद होगा अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाई थ्री बाय फाइव इंस्टेंड ऑफ कैन यू फोकस ऑन दिस ऑफ ये मेरा बेस है ऑफ तो के बाद जो भी रहता है वो आपका इनिशियल वैल्यू है ऑफ के बाद कौन है फाइव बाई थ्री सो दिस फाइव बाई थ्री ये मेरा इनिशियल है ये मेरा फाइनल है सो so कितने का डिफरेंस है पच्चीस माइनस नौ सोलह अपॉन बेस बेस इज ट्वेंटी फाइव परसेंटेज में चाहिए ये फिगर ठीक है इन टू हंड्रेड कर दो ट्वेंटी फाइव वन जा, ट्वेंटी फाइव फोर दिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर परसेंट आई होप दिस इज क्लियर अच्छा ये क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते एक मेथड टू भी बता देता हूं इस क्वेश्चन का मेथड टू अगर ऐसे कुछ फ्रैक्शन वाले आए तो कुछ इतनी दिक्कत नहीं है इसमें एक फ्रैक्शन क्या था 3 by 5. दूसरा फैक्टर क्या था फाइव बाय थ्री जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई राइट सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री थ्री झा नाइन फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव या आपका इनिशियल है ये आपका फाइनल है राइट तो ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव इन हंड्रेड राइट तो वही आएगा सिक्सटी फोर तो आप चाहिए तो इसमें वो इस चीज से बच सकते थे वैल्यू क्या लेनी वो so, ये बट तभी फ्रैक्शन में कुछ हो ठीक है एनी वे क्वेश्चन लेट्स गो टू दी नाइस क्वेश्चन Every minute, the number of bacteria in a particular colony triples. हर मिनिट में तीन तीन गुना होती है So find the percentage increase from 26 to 29th minute. I am writing it here. 26 minute, 27 minute, 28 minute, 29 minute. ट्वेंटी छब्बीस मिनट time मिनट Number of bacteria. आप इसको 100 भी ले सकते हो या फिर सीधा ट्रिपल 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 भी कर सकते हो राइट पहले 100 लेके कर लेते हैं अगर मैंने इनिशियल में मिनट में बैक्टेरिया एज्यूम किया 100. अब उसने क्या बोल रहा है हर मिनट में क्या ट्रिपल हो रहा है So, अगले मिनट में कितना होगा ट्रिपल ऑफ़ इट 300 होंगे अगले मिनट में कितना होगा मिनट में इसका भी ट्रिपल 900 होंगे इसका ट्रिपल अगले मिनट में कितना होगा सत्ताईस सो राइट सो वॉट इज द परसेंटेज इंक्रीज राइट सो इनिशियली कितना था 100 फाइनल कितना हुआ 2700 ओवरऑल कितने टाइम्स हुआ 100 से ओवरऑल हुआ guys, 27 so, 27 मतलब कितना एंड टाइम्स होता है तो एक कम करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड परसेंट क्या क्लियर है यही चीज आप ओरली कर सकते हो इतना भी जरूरत नहीं छब्बीस से उन्तीस कितने मिनट होते हैं तीन हर मिनट में ट्रिपल हो रहा है तो तीन मिनट में ट्रिपल 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 मतलब ओवरऑल वैल्यू सत्ताइस टाइम्स होनी चाहिए सेम थिंग आएगा राइट तो इवन डोंट नीड टू अज्यूम हंड्रेड राइट यहाँ अगर डबल होता है तो डबल डबल डबल, डबल एट टाइम्स हो जाता 700 परसेंट आंसर आता राइट सो इतना इजी क्वेश्चन होता है बस इसमें कुछ भी करके वो एक्स वैक्स ना लो मेरा बस इतना ही है नाउ दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन सी क्या दिया है अ स्क्वेयर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज 3000 थाउजेंड परसेंट ग्रेटर देन द नंबर इट राइट तीन परसेंट मोर अब ये वाली चीज अगर फट से चमक गई कोई चीज अगर तभी हमने बताया था 200 परसेंट इंक्रीज होता है तो वैल्यू कितने टाइम्स से परसेंट पे आते तो माइनस करते होगी, राइट? तो यहाँ पे हो रही है तीन हजार परसेंट इंक्रीज वैल्यू कितने होने को होना बताओ दो जीरो छुपाओ तीस प्लस एक तो वैल्यू होने को होना गाइस थर्टी वन टाइम्स ये जब होता है कब नंबर इज मल्टीप्लाइड राइट एंड इट बिकम्स अ स्क्वायर तो एन का एन स्क्वायर होना चाहिए तो ऑब्वियसली ये एन इन टू थर्टी वन एन स्क्वायर कब होगा जब ये भी थर्टी वन होगा राइट तो बेसिकली एन की वैल्यू थर्टी वन है सो so, उसने बट एन की वैल्यू मांगी एन स्क्वायर सो थर्टी वन का स्क्वायर कितना होता है वेरी पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ओवर इत बता दे तो ऐसे ही बारह का स्क्वायर कितना होता है 144. 12 का उल्टा कितना होता है ट्वेंटी वन इसका स्क्वायर होता है फोर फोर्टी वन तेरा का स्क्वायर कितना होता है 169. इसका तेरह का उल्टा होता है थर्टी वन स्क्वायर भी उल्टा हो जाएगा नाइन सिक्सटी वन ठीक है ये बस दो ही जगह चलता है ये दो ही पेयर में और कहीं नहीं चलाना राइट आई होप दिस इज क्लियर तो एकदम ये चमकने वाले क्वेश्चन होते हैं अगर आप इसको इक्वेशन बनाना शुरू कर दिया एन प्लस थ्री थाउजेंड परसेंट ऑफ एन राइट फिर वो थोड़ा सा बैकने का चांस है डोंट गो इट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड इट एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल आई होप दिस इज क्लियर लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन एक चीज होती है परसेंटेज इंक्रीज और देर इज समथिंग कॉल्ड एज परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज राइट परसेंटेज इंक्रीज का मतलब वही होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इन टू हंड्रेड परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज दिस टर्म जनरली इज इन फाइनेंस और शेयर मार्केट अगर आप कभी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे या कुछ शेयर मार्केट गॉट अप बाय अपोर पीपी मतलब फोर परसेंटेज पॉइंट अगर वो पहले पंद्रह परसेंट पे होगा तो अभी चार परसेंट बढ़ गया सीधा उन्नीस परसेंट हो जाएगा राइट सो दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज तो डिफरेंस याद रखना एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते राइट, जी के उनको मिले सिक्स इन द इन टर्म में कितने परसेंटेज मिले उसको सिक्सटी आउट ऑफ वन फिफ्टी इन टू हंड्रेड फिफ्टी टू झिफ्टी थ्री ज राइट सो so, बेसिकली फोर्टी परसेंट सो मिड टर्म 40%। एंड टर्म में कितने मिले बताओ एंड टर्म में ही गॉट 90 आउट ऑफ वन फिफ्टी इन टू हंड्रेड फिफ्टी टू झा फिफ्टी थ्री झा थ्री वन झा थ्री थर्टी झा सो ये मिले सिक्सटी परसेंट राइट तो जैसे ही वो घर पे गए कि मिड टर्म में मुझे 40 मिले थे इन टर्म में कितने परसेंट मिले 60 परसेंट तो उनके जो पिताजी है जेठालाल जी बोलते हैं सिर्फ इंक्रीज हुआ है राइट बट बोलते है, गलत है 20 परसेंट इंक्रीज नहीं हुआ है मेरा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है परसेंटेज इंक्रीज कितना होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल या कितना बड़ा अपॉन कहाँ से बड़ा कितना बड़ा गाइज चालीस से साठ बीस कहा से बड़ा चालीस राइट एक्चुअली हिज परसेंट इंक्रीज इज फिफ्टी परसेंट राइट जो उनके पिताजी बोल रहे थे बीसी पोर्सेंट से बड़ा वो क्या है डायरेक्ट डिफरेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज सो फाइन द परसेंटेज इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पॉइंट इसका एंसर होगा ट्वेंटी परसेंट राइट दैट्स अ डायरेक्ट डिफरेंस सो प्लीज अंडरस्टैंडेज इंक्रीज एंड अ परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज ठीक है इस क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट लेट अस डू इट वन फार्मा कंपनी विच रिसीव सिक्स मिलियन इन रॉयल्टीज राइट फॉर द फर्स्ट फोर्टी मिलियन ऑफ सेल्स ठीक है तो 40 मिलियन पे 6 मिलियन की रॉयल्टी मिल गई और ऑन एवरी फर्दर 1 मिलियन द सेल रिसीव्स 10 परसेंट इन द रॉयल्टीज ठीक है तो फिर ऐसी दो कंपनीज है कुछ जो एक एक करके आते हैं। सो कंपनी वन कंपनी वन कंपनी टू कंपनी वन ने कितने पैसे लगाए 50 मिलियन राइट right? और दूसरे ने लगाया 80 मिलियन तो कंपनी वन ने लगाया 50 मिलियन और कंपनी टू ने लगाए 80 मिलियन ठीक है अब हमको पता है दो पार्ट में पैसे मिलते हैं तो 50 मिलियन के गाइज इसको कैसे मिलेंगे पहले तो 40 मिलियन राइट right? 40 मिलियन और बच्चा 10 मिलियन 40 मिलियन पे जो उसको रॉयल्टी वो तो सीधी सीधी मिल गई कितनी फॉर 40 मिलियन इट गेट्स अ रॉयल्टी ऑफ 6 मिलियन तो पहले 40 मिलियन पे जो कंपनी की कमाई है जो ये कंपनी वन है इसका छः मिलियन हो गया राइट और

तो इसका भी वही होगा 40 मिलियन पे रॉयल्टी 6 मिलियन तो फिक्स हो गई बचा कितना और 40 मिलियन जिसमें मुझे कितना रॉयल्टी एडिशनल मिलेगा 10% परसेंट राइट टेन परसेंट ऑफ फोर्टीज फोर मिलियन मोर सो सेकेंड कंपनी को कितनी रॉयल्टी मिली इन टोटल छ प्लस चार टेन मिलियन राइट अच्छा नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन क्या उसने पूछा है टेज इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉइंट परसेंटेज पॉइंट में चाहिए रॉयल्टी पेड बाय द फर्स्ट क्लाइंट एज अ परसेंटेज ऑफ इट सेल ठीक है सो रॉयल्टी पेड एज अ परसेंट ऑफ सेल रॉयल्टी सात सेल कितना हुआ था उसका पचास राइट सो कंपनी वन का परसेंटेज इज गाइज सेवन आउट ऑफ फिफ्टी इन टू हंड्रेड कितना आएगा ये फोर्टीन परसेंट राइट आई होप दिस इज क्लियर सेकेंड so कंपनी का कितना आएगा रॉयल्टी एज अ सेल सेकेंड कंपनी की रॉयल्टी इज टेन टोटल सेल इज एटी 80 मिलियन इंटू हंड्रेड राइट मिलियन तो कट जाएगा दैट इज वन बाई एट वन बाई एट कितना होता है 12.5 पॉइंट फाइव परसेंट राइट और उसने जो डिफरेंस मांगा है स्ट्रेट अवे डिफरेंस मांगा है परसेंटेज पॉइंट सो डायरेक्ट डिफरेंस 14 में से साढ़े बारह गए कितना डिफरेंस आता है ये 5% परसेंटेज दैट इज नाइट सो द करेक्ट आंसर इज गाइस 1.5% पॉइंट फाइव परसेंट आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर राइट इतना भी टफ नहीं था हाँ प्रोवाइडेड अगर आपको बेसिक एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना जस्ट जो जो क्वेश्चन बोलते जाता है वो करते जाना है राइट आपका इतना ही काम है अच्छे से वीडियो देखो कंसेप्ट समझो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल बिकॉज सिर्फ थेरी से कुछ नहीं होगा राइट सो आई होप दिस इज़ क्लियर सो हमने अब तक इतनी चीज़ें कर ली है जो रिमेनिंग तीन से चार चीज़ें विल डू इन द सब्सिक्वेंट क्लासेज थैंक यू